नमस्कार, दिन भर की टॉप खबरों के लिए जिला टॉप में आपका स्वागत है। तो आइए रुख करते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। पहली खबर में आपको बता दें कि आज गोड्डा के देवदाण थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ बीते 21 तारीख को बगल के गांव के एक युवक द्वारा गलत करने का प्रयास किया गया था। बच्ची ने जब विरोध किया तो बच्ची का गला दबाकर आरोपी द्वारा मारने का भी प्रयास किया गया। वहीं जब बच्ची मूर्छित हो गई तो आरोपी द्वारा घर में रखे छुरी से पीड़िता का गला रेत दिया गया। इधर पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही थी। छानबीन के दौरान पुलिस ने एक युवक दीनबंधु साह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस के समक्ष भी ये कबूल किया कि उसने ही बच्ची के गला को रेत मारने का प्रयास किया था। दूसरी खबर में आपको बता दें कि गोड्डा कॉलेज के जूलॉजी के छात्रों ने आज कॉलेज परिसर में जमकर हल्ला बोला। स्टूडेंट्स की माने तो इस कोरोना काल के दरमियान उन्हें बिना परीक्षा के ही नंबर दिए जा रहे हैं और वे अपने नंबर से असंतुष्ट हैं। स्टूडेंट्स की माने तो टीचर्स ने उन्हें ही बेहतर नंबर दिए हैं जो उनके पास प्राइवेट ट्यूशन पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि इस कम नंबर के कारण वो यूनिवर्सिटी तक शिकायत कर चुके हैं। उनकी माने तो जूलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लगातार बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने को लेकर कहते थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगातार कहते थे कि हमारे पास ट्यूशन पढ़ो, नहीं तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। तीसरी खबर में आपको बता दें कि गोड्डा शहर में लगी शहरी जलापूर्ति आयोजना फेल होते हुए नजर आ रही है। शहर में जहां पाइप के जरिए पानी पहुंचाने की कवायद शुरू हुई है, वहीं जगह जगह पाइप में लीकेज चिंता का विषय बन चुका है। जब भी ट्रायल किया जा रहा है तो गोड्डा के सड़कों पर हजारों लीटर पानी बर्बाद होती है। कई दफ़ा ऐसी परेशानी हो चुकी है पर नगर परिषद द्वारा कोई भी पुख्ती व्यवस्था नहीं की जा रही है। अगली खबर में आपको बता दें कि आज महागमा प्रखंड के विभिन्न तेजस्विनी क्लब में मनाई गई बालिका दिवस। बालिका दिवस के तहत बलिया में किशोरियों द्वारा रैली निकाला गया और बताया गया कि आज के समय में बालिका का समाज में बहुत बड़ा योगदान है। किशोरी के द्वारा समाज में बेटी और बेटा में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने का नारा दिया गया। इस अवसर पर क्लब की किशोरी सुनीता नेहा कंचन स्नेहा रैली में शामिल थी। इस अवसर पर फील्ड कोऑर्डिनेटर दुर्गा झा ने बताया कि हम लोगों को किसी भी हाल में बालिकाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, तभी मेरा देश एक विकसित राष्ट्र बन सकता है।